बच्चों चलो ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लो, चलो। लगता है तूने लगन के सातों वचन सही तरह से समझ और सुन लिए हैं। संभालना अपने जीवन साथी को, बस ऐसे ही जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना डिकरा। ये क्या बा? भाई की तारीफ पे तारीफ, और मैं? चलो राशि गिरो, मैं संभालता हूँ। इस घर में चलने की आदत डाल दे, एक एक कदम सोच समझ कर उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद लड़खड़ा जाओ और तुम्हें सहारे की जरूरत पड़े। याद रहे, तुम अहम का सहारा बनने आई हो, ना कि सहारा पाने, समझी? चलो अवे। मासी, बच्चों ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लो, चाहो। रीत के अनुसार तुम दोनों बहुएं दोहा बोलेगी। है ना बा? हाँ। गाइए। ऐसे क्या देख रहे हो? दोहा गाना नहीं आता क्या? फिर गाना शुरू करो। जवाब देना कोकिला, क्या आजकल के बच्चे हैं, इनको कहां से रामायण की पंक्तियां याद होगी? मनी? हाँ बा। मेरे कमरे से रामायण की किताबें लेके आ। तुम दोनों पढ़ के दोहा गा लेना। ले आई। हाँ, दे दो। हाँ चलो गाओ बेटा। गा के सुनाओ, मुझे याद है। हाँ हाँ, गाकर सुनाओ या जैसे भी आता हो, पर गाओ। अब कुछ मजा करते हैं। अरे ये रीति रिवाज भी ऐसे बनाए गए हैं
की लगन की सारी थकान उतर जावे। मणि। हाँ बा। बद्दी तैयारी छे ना? हाँ बा, पूरी तैयारी है। बच्चों चलो देखते हैं कौन जीतता है। जिगर बेटा, तू भूलना मत, तू जोरू का नहीं अपनी बा का गुलाम है। बा, ये भी कोई मिसाल हुई? ये तो होम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप हो। चलो अहम बेटा, अब तुम्हारी बारी। अहम बेटा, अरे जिगर तो अपनी नाक कटवा चुका है, अरे तू अपनी बाप की इज्जत बचा के रखना। क्या बात है बेटा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस घर की बहू बनकर आओगी, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं बहुत खुश हूं। गोपी बहू, पल भर के लिए भी ये कभी मत भूलना कि मैंने एक अनाथ और गरीब लड़की को महलों की रानी बनाया है। हमेशा याद रखना, इस एहसान को सिर झुकाकर जिंदगी भर चुकाते रहना। और याद रहे, मेरे दिक्र अहम के साथ खड़ी रहना। परिवार में किसी को भी मौका मत देना कि वो उंगली उठा सके, समझी?